हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे इस साल मैंने गूगल टैग मैनेजर में ई इवेंट्स स्टार्ट करे हैं, उनके वीडियोस मैंने स्टार्ट करे, तो वो एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो बटन क्लिक पे बनाया था, क्लिक टेक्स्ट वेरिएबल लेके, क्लिक क्लास वेरिएबल लेके, फिर स्क्रॉल टैप पे बनाया था। तो स्क्रॉल टैप पे मैंने जब वो लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बोला अभी तक जब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक पर्टिकुलर पेज के बारे में बात करेगा, क्योंकि स्क्रॉल टैप पूरी वेबसाइट पे लगा है। चलो ठीक है, कोई आया, किसी ने इवेंट परफॉर्म करा, बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज को ट्रैक करना है कि भाई हमने ये पेज बनाया है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब हम चाहते हैं कि यूज़र आए वो पूरा इंगेज हो उस कॉन्टेंट से, यूज़र सेंट्रिक कॉन्टेंट हमने लिखा है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या यूज़र पूरा स्क्रॉल करके बॉटम में जा रहा है या मिड में जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या पता अगर हम लोग अभी ये मैं ट्रैकिंग लगाऊंगा, आज मैं आपके सामने वीडियो बनाऊंगा और से हम फिर क्रॉस चेक करेंगे, क्या पता उस पेज पे खाली फर्स्ट अबव द फोल्ड पार्ट तक ही यूज़र जा रहा है, मतलब दो स्क्रॉल तक जा रहा है, 25% 50%। और अगर ऐसा 100 में से 99 यूज़र करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बॉटम का जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है वो अबव द फोल्ड में डालना पड़ेगा। अगर यूज़र मान लीजिए लेजीनेस कही है, या उसके पास टाइम नहीं है, या उसे इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में चाहिए, जो अब द फोल्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम क्या करेंगे कि 50% जो फर्स्ट 50% पेज का पार्ट होगा उसमें हम वो बॉटम वाली इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि भाई उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं ना, हमने लिखी भी है, हमने उसको कॉन्टेंट भी प्रोड्यूस करे, हमने बॉटम में डाला, लेकिन यूज़र वहाँ जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पेज की बात करती है। सारी स्क्रॉल टैप जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो पूरी वेबसाइट पे बनाया था, सारे पेजेस किसी पे भी जाओ तो उसके लिए, लेकिन आज हम किसी पर्टिकुलर पेज पे बनाएंगे, जो कि मैंने पेज सेलेक्ट करा है, ये सेंटा मोनिका बीच ही हमारा इंपॉर्टेंट पेज है इस वेबसाइट का। तो आज हम इस पे ये ट्रैकिंग लगा के आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिगर से स्टार्ट करते हैं। एक ट्रिगर लेंगे हम, न्यू पे जाएंगे, वही आप पर्टिकुलर नेम रखिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, सेंटा मोनिका बीच स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने ले लिया, इसमें जो हम लोग वेरिएबल लेंगे, जो ट्रिगर टाइप होगा वो हम लेंगे स्क्रॉल डेप्थ, ओके। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पेज को ऐसे देखना है, ऐसे स्क्रॉल लगाया है हमने, है ना, वर्टिकल। ऐसे वाले तो बहुत कम होते हैं तो उनका अलग होता है, पर हम वर्टिकल लगाएंगे जो 90% केसेस में होता है। अब जैसे लास्ट वीडियो में था 7500, ये हमने सेग्रीगेट कर लिया 25, 50, 75, इस तरीके से स्क्रॉल को वो चार बार करेगा तो वो सारे। अब सब पेज की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, सम पेज की मतलब किसी पर्टिकुलर पेज की बात हो रही है। कंडीशन लगेंगे पेज यूआरएल कंटेंस, ये पूरा यूआरएल हमारा कॉपी होगा, ये यहाँ जाएगा, इसे हम कर देंगे सेव, ठीक है फ्रेंड। अब ट्रिगर बन गया है, अब हमें टैग बना देना है। टैग में भी हम जो टैग बनाएंगे उसका पर्टिकुलर वैसे ही नाम रखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि तो बहुत सारे अभी ट्रिगर और टैग बनने हैं। सेंटा मोनिका बीच पेज टैग, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम गए, हमने टैग ले लिया, गूगल एनालिटिक्स ले लिया, इवेंट ले लिया, मेजरमेंट आईडी में जो ये गूगल GA4E मैंने कॉन्स्टेंट वेरिएबल है इसको ले लिया, यहाँ पे अब आ जाएगा गूगल टैग फाउंड। अब फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब हम जब एनालिटिक्स में चेक करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर पेज दिखना चाहिए कि भाई इस पेज की ट्रैकिंग हो रही है। ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम मैंने थ्रेशोल्ड लिया था, स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड परसेंटेज, तो उसमें यह था कि किसी भी पेज पे जा रहे हो तो परसेंटेज आ रही थी, हमें किसी पेज पे गए हमने स्क्रॉल करा 25%। अब हम पर्टिकुलर उस पेज का नाम लेंगे ताकि एनालिटिक्स में वो प्रॉपर दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, कि किसी बार हमें क्लाइंट को दिखाना होता है, अपने सीनियर को चेक कराना होता है, वो बोलेगा भाई तूने तो स्क्रॉल डेप्थ तो पूरे पेज पे लगाया हुआ है, अब तू सेंटा मोनिका पे भी जा रहा है तो वो क्या पता उसका दिखा रहा हूँ। मुझे ये पता कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं क्लाइंट को दिखाऊं या रिपोर्ट बने तो उसमें स्क्रॉल डेप्थ का पूरा नाम है सेंटा मोनिका के बीच से आए, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटा मोनिका स्क्रॉल डेप्थ, ठीक है, पेज और लिख दो, सेंटा मोनिका पेज स्क्रॉल डेप्थ, हमने यह नाम लिख दिया। हमने यहाँ ट्रिगर जो हमने बना रखा है, देखिए सेंटा मोनिका बीच स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर, इसको ले लिया, इसको कर लिया सेव, हमारा टैग ट्रिगर तैयार हो गया, ठीक है।
अब हम प्रीव्यू में जाएंगे, डीबग व्यू में इसको चेक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड से टैग असिस्टेंट कनेक्टेड का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपका यहाँ से एक बारी स्पीच नेम को कॉपी कर लूँ ताकि वहाँ पे हम आपको दिखा सकें। अब हम इस बीच पेज पे पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं जैसे पेज ये लोड होगा, जैसे आप देख रहे हैं अभी लोड प्रॉपर नहीं हुआ, जैसे ये लोड होगा उस फिर मैं एक बारी स्क्रॉल टॉप टू बॉटम एक बारी करूँगा, इवेंट परफॉर्म करूँगा, फिर हम देखते हैं टैग फायर हुआ नहीं हुआ, और सेम डिबग व्यू में चेक करेंगे एनालिटिक्स पॉइंट से। फ्रेंड्स पेज लोड हो चुका है। अब मैं एक बारी इस पेज को मैंने प्रॉपरली टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं मैंने इसके स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ टैग असिस्टेंट पे। फ्रेंड्स सेंटा मोनिका बीच पेज टैग ये फायर हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं डिबग व्यू में। देखिए फ्रेंड्स आया सेंटा मोनिका पेज स्क्रॉल 25%, 50%, 75%, 100%। तो इसलिए वो इवेंट नेम में हम यहाँ डालेंगे तो हमारा हो जाएगा वहाँ भाई इस पर्टिकुलर पेज को स्क्रॉल किया गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे पेजेस पे स्क्रॉल डेप्थ लगाई थी, इसमें एक पर्टिकुलर पेज की कंडीशन पे स्क्रॉल डेप्थ लगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का होना चाहिए, और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।